ब्लॉक कार्यालय में तैनात कर्मियों को अब चिट्ठी व ईमेल को भूलना होगा, क्योंकि अब ई ऑफिस के जरिए ऑनलाइन व्यवस्था से ही सारे काम होंगे। इससे जहां पेपरलेस व्यवस्था मिलेगी, वहीं सरकार के करोड़ों रुपए भी वर्ष में बचेंगे। हालांकि अभी तक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर जिला के कांगड़ा ब्लॉक को ही शामिल किया गया है, लेकिन इसके एक पखवाड़े के भीतर ही अन्य ब्लॉक भी इस व्यवस्था से जुड़ जाएंगे। जिला कांगड़ा ग्रामीण विकास अधिकरण कार्यालय के सभागार में एडीसी कांगड़ा की अध्यक्षता में जिला ग्रामीण विकास अधिकरण के उपनिदेशक एवं परियोजना अधिकारी कांगड़ा व कांगड़ा ब्लॉक के विकास खंड अधिकारियों के बीच बैठक आयोजन किया गया, जिसमें ब्लॉक कार्यों में तैनात कर्मचारियों को ई ऑफिसेज के जरिए ऑनलाइन व्यवस्था की विस्तृत जानकारी मुहैया करवाई गई। आपको बता दें कि जिला कांगड़ा में ब्लॉक कार्यालयों में तैनात कर्मियों को अब चिट्ठी व ईमेल को भूलना होगा, क्योंकि अब ई ऑफिस के जरिए ऑनलाइन व्यवस्था से ही सारे काम किए जाएंगे। इससे जहां पेपरलेस व्यवस्था मिलेगी, वहीं सरकार के करोड़ों रुपए का खर्च भी बचेगा। हालांकि अभी तक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर जिला कांगड़ा के ब्लॉकों को इसे शामिल किया गया है, लेकिन एक पखवाड़े के भीतर अन्य ब्लॉक भी इस व्यवस्था से जुड़ जाएंगे। फिलहाल कांगड़ा जिलाधीश कार्यालय, जिला ग्रामीण विकास अधिकरण एवं कांगड़ा ब्लॉक में ही ई ऑफिस की व्यवस्था की गई है। इसके तहत 4 जुलाई के बाद कांगड़ा ब्लॉक से कोई भी चिट्ठी या नोटिस नहीं भेजा जाएगा। अवकाश के लिए ई ऑफिस के जरिए आवेदन करना होगा। इस व्यवस्था के तहत कोई भी फाइल अब लंबित नहीं रह पाएगी। इसी वजह से ये ई ऑफिस के तहत ऑनलाइन दी गई व्यवस्था के तहत अगर कोई कर्मचारी या अधिकारी 2 दिन के भीतर उस फाइल पर कार्रवाई करके उच्च अधिकारी को नहीं भेजता है, तो स्वतः ही ई ऑफिस व्यवस्था के जरिए अलर्ट आ जाएगा। इससे उस कर्मचारी और अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई भी सुनिश्चित होगी। उपनिदेशक एवं परियोजना अधिकारी DRDA कांगड़ा मुनीश कुमार शर्मा ने बताया कि ई ऑफिस से मिलने वाली ऑनलाइन व्यवस्था के तहत अब ना तो डाक के माध्यम से चिट्ठी भेजने का प्रचलन खत्म हो जाएगा। इस व्यवस्था के तहत जहां कागज का प्रचलन पूर्णतः समाप्त हो जाएगा, वहीं करोड़ों रुपए की बचत भी होगी। इसके तहत नोटिंग भी ऑनलाइन चलेगी और कोई भी फाइल होगी तो उसे BDO कार्यालय से जिला ग्रामीण विकास अभिकरण और उसके बाद उपायुक्त कार्यालय से उसे स्वीकृति मिलेगी। कर्मचारी को अवकाश के लिए भी इसी व्यवस्था में आवेदन करना होगा। उन्होंने बताया कि एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से अब जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की सारी प्रक्रियाएं होंगी। सभी फाइलें पहले ऑनलाइन हो चुकी होंगी, अब नई व्यवस्था से शेष कार्य भी ऑनलाइन हो। मुनीश कुमार शर्मा ने बताया कि कांगड़ा ब्लॉक में 4 जुलाई के बाद सभी प्रक्रिया ई ऑफिस के तहत होंगी। कांगड़ा ब्लॉक में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ई ऑफिस व्यवस्था शुरू की गई है। इसके बाद अन्य ब्लॉक कार्यालय भी इस व्यवस्था के साथ जोड़े जाएंगे। उन्होंने बताया कि ई ऑफिस के तहत अब केवल उपायुक्त कार्यालय और जिला ग्रामीण विकास अभिकरण कार्यालय के अलावा कांगड़ा ब्लॉक को जोड़ा गया है। इसके बाद अन्य ब्लॉक कार्यालयों को भी जोड़ा जाएगा, जिससे संपूर्ण जिला पेपरलेस व्यवस्था के साथ हो जाएगा, जिससे करोड़ों रुपए की बचत भी होगी। ई ऑफिस जो है एक ऐसा ऑफिस जिसमें सारी चीज़ें जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से हमारे पास आएंगी और हमारे से फील्ड में जाएंगी और फील्ड से उसके ऊपर जो भी एक्शन होगा ना वो होगा। कहने का मतलब है कि ये ऑफिस में कोई भी कागज़ जो है, पहले तो ईमेल आती थी उसका भी प्रिंट लेना पड़ता था, या कोई व्यक्ति सीधे दफ्तर में आता था उसके भी कागज़ आता था। अब क्या होगा कि जो भी हमारे पास किसी भी चीज़ के लिए, चाहे कोई पैसे की डिमांड है, चाहे कोई घर की डिमांड है, या किसी काम के लिए कोई भी व्यक्ति आता है, इवन जो हमारे कर्मचारी हैं अधिकारी हैं, उन्होंने छुट्टी भी लेनी हो, अपनी मेडिकल लेना हो, कुछ किसी भी प्रकार की सेंक्शन लेनी हो, GPF जैसे कर्मचारियों को होता है उसको निकलवाना हो, तो उसकी भी जो आवेदन है वो सारे का सारा ई ऑफिस के माध्यम से उस कार्यालय से आएगा। ये भारत सरकार ने 2014 में इस कॉन्सेप्ट को कंसीव किया था, जब उन्होंने सोचा था इसके बारे में, और हम इसको अभी पिछले कल ही इसकी ट्रेनिंग हुई है, हम इसको अपनाने जा रहे हैं। इसमें हम पायलट तौर पे हमने कांगड़ा ब्लॉक को अभी अपने साथ इसमें 3 ऑफिस हमने मैप किए हैं। जैसे हमारी फाइलें जो हैं वो हमारे ADC को, DC साहब को जाती हैं, और नीचे BDO ऑफिस की फाइलें जो हैं या उनके जो चिट्ठियां हैं या ईमेल्स हैं वो हमारे पास आती हैं। तो आगे से हमने निर्णय लिया है कि आगे से कोई भी जो फाइल है या चिट्ठियाँ हैं जो हैं वो हार्ड कॉपी के रूप में या कागज़ के रूप में हमारे पास नहीं आएंगी। हमने ब्लॉक के जो कर्मचारी हैं उन सभी कर्मचारियों को जिनका
जो अपनी अपनी सीटें डील करते हैं उनकी ट्रेनिंग करवाई है, हमने अपने कार्यालय में भी करवाई है और डीसीए डी ऑफिस में भी करवाई है। अब इसमें जो सबसे बड़ा फायदा कि पहले जब डाक से कोई चीज़ भेजनी होती है तो पैसे लगते हैं, डाक टिकट लगेगा, फिर उसको भेजा जाएगा, फिर आने जाने का टाइम लगेगा। इसमें हर चीज़ जो है ये ऑफिस के माध्यम से एक रुपये का भी खर्चा नहीं है, ना तो कागज़ जाएगा ना तो पैसे लगेंगे। दूसरा, किसी भी कर्मचारी के पास आप किसी भी दफ्तर में चले जाएं, उसके सामने कागजों का ढेर लगा होता है, बहुत सारी फाइलें पड़ी होती हैं। तो इसमें जो लोगों की जो आवेदन है, जो मांग है, या हमारे ऑफिस से जो कार्य प्रणाली से संबंधित कागज हैं, वो सारे के सारे जो हैं ई ऑफिस के माध्यम से ही डील होंगे। इसमें समय की भी बचत होगी। सबसे बड़ी जो इसमें खासियत है, कई बार होता है कि कोई आदमी जो है दफ्तर में चिट्ठी दे जाता है लेकिन उस चिट्ठी को पता नहीं चलता है कि वो चिट्ठी गई कहाँ है। इसमें ई ऑफिस के माध्यम से जब इस चिट्ठी को किसी हमारे दफ्तर के किसी कर्मचारी को दे दिया जाएगा ऑनलाइन, तो हमें पता रहेगा कि उसने उस चिट्ठी पे कुछ किया या नहीं किया। वो हमारे को एक जो डैशबोर्ड ई ऑफिस का है वो दिखाता रहेगा कि किस कर्मचारी के पास कितनी चिट्ठियाँ पेंडिंग हैं, उसने इतने दिनों से उन चिट्ठियों पर कुछ किया या नहीं किया। हम इसमें ये भी सेट कर सकते हैं कि इस चिट्ठी पे कितने दिन के अंदर कार्रवाई होनी चाहिए। यदि उतने दिन के अंदर नहीं होती है तो ऑटोमेटिकली वो डैशबोर्ड पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। कहने का मतलब इसमें एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, पारदर्शिता भी बढ़ेगी, जवाबदेही भी बढ़ेगी, और जो है जो एक हमारा ध्येय है जैसे कागज भी बचेगा और पैसा भी बचेगा।